भोजपुरी फिल्मों का हब बन चुका है गोरखपुर, क्योंकि यहाँ पर लगातार फिल्मों की शूटिंग चल रही है और इस शूटिंग को देखने से यह पता चल रहा है कि लोगों के अंदर शूटिंग का तो जज्बा है ही, और इस जज्बे को बढ़ावा देने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार फिल्मों की शूटिंग हो रही है। तो आइए यहाँ पर जो फिल्मी सितारे मौजूद हैं, देखिए उनकी क्या राय है कि गोरखपुर की फिल्म सिटी बनने से लोगों को क्या फायदे मिल रहे हैं। हम तो पूरे उत्तर प्रदेश को फिल्म सिटी मान रहे हैं, पूरे पूर्वांचल को फिल्म सिटी मान रखा है हमने, कि पूरे यूपी में, पूर्वांचल में खासकर जितनी फिल्में बन रही हैं इस वक्त, मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्षेत्रीय भाषा के क्षेत्र में इतनी फिल्में बन रही होंगी। और इसका श्रेय जाता है हमारे मुख्यमंत्री के आदित्यनाथ जी को, क्योंकि उन्होंने जितनी छूट और जितनी सुविधाएं मुहैया कराई हैं वो मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरे राज्य के मंत्री ध्यान देते होंगे। और फिल्म सिटी के साथ साथ ये हो कि भोजपुरी के विकास के लिए, ये बात मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि मल्टीप्लेक्सेस में हमें जगह मिले। सिनेमा जब फलेगा फूलेगा तभी तो बनेगा, अभी हम सिर्फ सैटेलाइट के भरोसे बैठे हैं। सिनेमा हॉल बनने टोटल यूपी, बिहार, मुंबई सब जगह बन गए। अगर जहां कभी 1000 होते थे, आज वहां हम गिनने जाएंगे तो 300 बच्चे। तो सिनेमा हॉल सिनेमा के लिए, मतलब सिनेमा हॉल के लिए सिनेमा बनता है। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात पे भी ध्यान दें और एक इतना ही आदेश हो जाए शासन के द्वारा कि 100 मल्टीप्लेक्स वाले चलाएं पूर्वांचल में, नहीं अगर उनको अच्छा लगे तो 400 चलाएं, पर 100 तो होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में 100 मराठी फिल्म चलनी चाहिए, ये वहां का रूल है, नियम है। ऐसा नहीं कोई भी मल्टीप्लेक्स वाला ये बोल नहीं सकता कि हम नहीं चलाएंगे, वैसा रूल उत्तर प्रदेश में आएगा। मुझे लगता है कि भोजपुरी का और विकास होगा। पहले तो मेरा आप ये जो खुश हैं भैया कि गोरखपुर में फिल्म सिटी बन रही है, हम सबको सुविधा मिल रही है। और वैसे भी आके हम लोग अभी भी, मैं शूटिंग कर रही हूँ गोरखपुर में फिल्म बैरी अंगना, तो हम जो कुछ सुविधा अच्छी मिल रही है क्योंकि यूपी में मिल रही है, वैसे मुंबई में जाना पड़ता था, हम लोग यूपी में रह के अच्छा काम कर रहे हैं। खुशी तो बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि हम जितने भी आर्टिस्ट, कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो हम मुंबई दिल्ली तक नहीं पहुंच पाते हैं, है ना। अब गोरखपुर में ये चीज़ें बनने से, ये हम छोटे छोटे जो आर्टिस्ट जो निकल के उभर के आ रहे हैं उनके लिए ये प्रॉफिट वाली चीज़ हो जा रही है, कि बहुत स्ट्रगल वाली चीज़ जो एक होता है ना सोच के कि अरे मुंबई जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाएंगी हम सभी के लिए, हम सभी आर्टिस्टों के लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। और अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। मैं अभी तो ये मेरी तीसरी मूवी है, देखिए इसके पहले मैंने 2 मूवी किया हुआ। पहले मैंने ये किया था बकरीदू तू दिलो जान में, और उसके पहले एक मूवी की थी खाना, और ये मेरी तीसरी मूवी है बैरी अंगना। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम निशा है। हम भोजपुरी देख नहीं रहे ज़्यादा, मैं कर रहा हूँ, और भोजपुरी अभी सैटेलाइट में ड्राइंग रूम में पहुँच गई है, तो ड्राइंग रूम में तो अश्लीलता नहीं चलेगी। चैनल का अपना सेंसर होता है, ऐसी फिल्मों को चैनल रात को 11 बजे के बाद दिखाता है या ए सर्टिफिकेट देता है, और ये मेकर को भी पता है कि अगर ए सर्टिफिकेट मिल गया मेरी फिल्म को तो वो प्राइम टाइम में नहीं आएगी। इसलिए अभी लगभग मुझे लगता है पिछले कुछ सालों से जो भोजपुरी बन रही है उसमें अश्लीलता बिल्कुल नहीं है। और रोमांस तो रहेगा, रोमांस के बिना कैसे रहेगा, लेकिन अश्लीलता की जो हम बात करते हैं वो हट गया है, क्योंकि अब फिल्में घर में लोग देख रहे हैं, तो आप घर में नहीं परोस सकते ना। हॉल में जब तक लोग जाते थे मेकर्स ने दिखाया क्योंकि उनको अच्छा लगता था, वो एंजॉय करते थे, मतलब उसी को रोमांस की थोड़ा अधिकता कह लीजिए, अश्लीलता क्या बोलेंगे, लेकिन अब वो बिल्कुल बंद है। अब बहुत म्यूजिक चेंज हो गया है हमारा, अब हमारे उसमें फोक आ गया है टोटल, पहले भी था, टोटल फोक आ गया। हमारे रिचुअल्स दिखाए जा रहे हैं फिल्मों में, हल्दी ये वो शादी का, और कहानियाँ अब महिलाओं पर केंद्रित हो गई, अब हीरोइन लीड कर रही है आपकी फिल्मों में, अब सिर्फ हीरो लीड नहीं कर रहा है, अब आपके यहाँ विद्या बनती है, अब आपके यहाँ नैयर बनती है, अब आपके वो फिल्म बनती है जो फीमेल ओरिएंटेड फिल्में बन रही है, तो अश्लीलता अपने आप खत्म हो रही है। पर कितना है कि गानों में जो अश्लीलता वो एल्बम की है, हम एल्बम और फिल्म को दरअसल कनेक्ट कर देते हैं, वो एल्बम के गाने हैं जो फिल्मों में नहीं आते हैं। पहले एल्बम के गाने फिल्मों में लिए जाते थे क्योंकि हमको सस्ता पड़ता था, सस्ता इन सेंस कि एक हिट गाना जिसको ऑडियंस पहले से जानती है उसको हम अपने गानों में फिल्मों में डाल लेते हैं, अब ऐसा नहीं है।
अब वो एल्बम की दुनिया अलग है, सिनेमा की दुनिया बिल्कुल अलग। मैंने एक तो भोजपुरी वेब सीरीज की थी, जो पहली भोजपुरी वेब सीरीज थी, हीरो वर्दी वाला, जो बालाजी टेलीफिल्म ने बनाई थी, उसमें वन ऑफ द लीड रोल में था मैं। उसके बाद दूसरी हिंदी वेब सीरीज मैंने की, जो अभी नेटफ्लिक्स पे आ रही है, खाकी, नीरज पांडे जी। तो भोजपुरी में अभी वेब सीरीज को समझना पड़ेगा एक्चुअली कि वेब सीरीज क्या है। हम सिनेमा की तरह वेब सीरीज बना रहे हैं दरअसल। ये समझ लीजिए कि हमने 3 पार्ट में फिल्में बना ली। वेब सीरीज का फॉर्मेट अलग होता है, कहानी अलग होती है, प्रेजेंटेशन अलग होता है। हम उस प्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, न उस प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं। हम ये समझ लीजिए कि 6 पार्ट में हम फिल्में ही बना रहे हैं, तो फिल्में नहीं बनेंगी, फिल्में नहीं चलेंगी। वेब सीरीज में स्टार नहीं चलते, वेब सीरीज में कंटेंट चलता है। हम अभी भी स्टारिज्म के पीछे भाग रहे हैं वेब सीरीज को लेकर, हम कंटेंट को इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे। बहुत मिल रहा है, मुझे लगता है रीजनल लैंग्वेज में जितना बड़ा स्कोप भोजपुरी का है उतना किसी लैंग्वेज का नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारी ऑडियंस सबसे ज्यादा है, हमारे लोग सबसे ज्यादा है। सिनेमा हॉल बंद हुए हैं, दर्शक नहीं गए। ये सबसे पॉजिटिव बात है भोजपुरी फिल्मों की कि सिनेमा हॉल बंद होने के बाद भी दर्शक डाइवर्ट हो गए। अब वो मोबाइल पे आ गए, अब वो घरों में आ गए, फैमिली घर में देख रही है और युवा वर्ग मोबाइल पे देख रहा है। दर्शक कम नहीं हुए, सिनेमा हॉल जरूर बंद हुए। OTT प्लेटफॉर्म खुल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, बशर्ते कि हमको थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ेगा, जिस बात की भोजपुरी में सबसे ज्यादा कमी है। अभी तक तो कोई फायदा नहीं पहुंचा, टिल नाउ ऐसा कोई फायदा भोजपुरी को नहीं मिला है। आगे उम्मीद है, अगर ये लोग कुछ चाहें इतना ही कर दे, बस मल्टीप्लेक्स दिलवा दे हमको और कुछ न करेंगे। मेरी तीनों सांसदों से हाथ जोड़ के विनती है कि कुछ न करें, सिर्फ मल्टीप्लेक्सेस में हमको एंट्री दिलवा दें और रूल बनवा दें कि मल्टीप्लेक्सेस में भोजपुरी लगेगी। बस इतनी ही उम्मीद है मुझे।